टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फार्माकोलॉजी ऑफ डायुरेटिक्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक फ्लो चार्ट बना लिया था। अब इस वीडियो में हम चीज़ को और कॉम्प्लेक्स करेंगे और ये देखेंगे डायुरेटिक्स किन किन कंडीशन के अंदर इस्तेमाल होती है और ये ड्रग्स की किन किन जगह पर जाके काम करती है, लेकिन सिर्फ ब्रीफ सा ओवरव्यू। अब जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जिन्होंने नाइट्रायूरेटिक करवानी है, उसके साथ ये बाइकार्बोनेट आयन की एक्सक्रीशन करवा देते हैं। स्पेसिफिकली ये बाइकार्बोनेट आयन की एक्सक्रीशन करवा के हमारे बॉडी में बेस को लॉस करवा रहे हैं, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ले लिया तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है ये किस तरह काम करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट कर देते हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की इनहिबिशन होगी तो बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी तो आपको मैंने आपको कहा था कि अगर बाइकार्बोनेट आयन बॉडी से ज़्यादा लॉस हो जाए तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलती है, पीएच कम हो जाएगी। तो हम इनके ये भी देख लेते हैं, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है वो करते क्या है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो इनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम अगर इनहिबिट होता है तब क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी। सोडियम असल में ना बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्सॉर्प्शन कपल्ड होती है सोडियम के साथ। ठीक हो गया। तो अगर बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती तो साथ सोडियम की भी नहीं होगी, सोडियम के साथ वाटर भी यूरिन में जाएगा, इसका मतलब आपको यूरिन वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। डायूरेसिस देखने को मिलेगी। तो बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि जब हमारी बॉडी में बेस का लॉस होगा तो जो कंडीशन होगा उसको बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। स्पेसिफिकली अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की इनहिबिशन की वजह से होती है तो फिर ऐसे टाइप की मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बोलते हैं हाइपरकोलोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब क्लोराइड आयन का लेवल ज़्यादा हो गया है और एनायन गैप नॉर्मल है। तो यहाँ पर हमें हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें क्लोराइड आयन ज़्यादा हो गया है तो फिर एनायन गैप नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल एनायन गैप। इसके साथ जो बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्सॉर्प्शन को ब्लॉक करके, ये ड्रग असल में ग्लूकोमा के अंदर भी इस्तेमाल होती है क्योंकि इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करके ग्लूकोमा को ट्रीट प्रोवाइड कर सकती है। ठीक हो गया। तो ये ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल भी होती है। इसका मैकेनिज्म हम डिटेल से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर की किस तरह जाके काम करती है। अब नेक्स्ट है लूप डायूरेटिक्स। मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिस कर दी है, वो चीज़ है कि नाइट्रायूरेटिक में एक और एग्जांपल भी आती है, जो असल में जो सोडियम के साथ ग्लूकोज की भी रीअब्सॉर्प्शन होनी होती है। मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखना, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा ल्यूमिन। ल्यूमिन में जब ग्लूकोज ल्यूमिन के अंदर है तो ल्यूमिन से वो सेल के अंदर जाएगा तो वो सोडियम के साथ एसोसिएटेड होता है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होते हैं जिसको बोलते हैं SGLT, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। और यहाँ पे आपको मैं बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्सॉर्प्शन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पे एक चैनल है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। ये असल में कर रहा क्या है, ये हाइड्रोजन आयन को बाहर फेंक रहा है और सोडियम को अंदर। अब जो हाइड्रोजन आयन बाहर चले गए, उन्होंने बाइकार्बोनेट से रिएक्शन किया और कार्बोनिक एसिड बन गया। कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करेगा, वो कार्बोनिक एसिड को H2O और CO2 के अंदर तोड़ देगा। अब CO2 वापस चले जाएगी सेल के अंदर, वहाँ पे दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस होगा। मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बोनिक एसिड को बना भी सकता है और कार्बोनिक एसिड को तोड़ भी सकता है। ठीक हो गया। तो H2CO3 बन गया, वो आयोनाइज हो गया तो बन गया बाइकार्बोनेट और इस सोडियम के साथ ये रीअब्सॉर्ब हो गया। यहाँ पे भी सोडियम हेल्प कराना है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर टाइप 3। ठीक हो गया। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है ये करते क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी। किस तरह नहीं होगी, क्योंकि ये H2CO3 टूटेगा नहीं इसमें और ना ही H2CO3 बनेगा। ठीक हो गया। दूसरा, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, अगर ग्लूकोज की रीअब्सॉर्प्शन होनी होती है तो सोडियम के साथ ही कपल्ड होती है, मतलब सोडियम अंदर जाता है तो भी ग्लूकोज भी इसको फॉलो करता है। इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर जो इनहिबिटर यूज़ हो गया उसको बोलेंगे SGLT, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर होते हैं इसको इनहिबिट करने वाले SGL2 इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर मैंने एक और यहाँ क्लास लिखनी चाहिए थी नाइट्रायूरेटिक की, वो था SGLT
इनहिबिटर, SGLT टाइप टू इनहिबिटर्स। नाम से लग रहा है कि इन्होंने क्या करना होगा, इन्होंने SGLT टाइप टू ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करना है, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर इसके एग्जाम्पल तो दे दूँ मैं, तो उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है एस्टाजोलामाइड। एस्टाजोलामाइड इसको मैं दो में डिवाइड कर लेता हूँ। ऐसी ड्रग्स जिन्होंने स्पेसिफिकली एडिमा को, हाइपरटेंशन को और रीनल एबनॉर्मेलिटी को ठीक करना है, तो उसमें आएंगे एस्टाजोलामाइड। और जो दूसरी ड्रग्स होगी ब्रिंजोलामाइड और डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड और डोरजोलामाइड, ये इस्तेमाल होती है ग्लूकोमा में। ये इंट्राओकुलर प्रेशर को ट्रीट करती है, तो इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज करेगी, जबकि एस्टाजोलामाइड ये इस्तेमाल होती है एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए, एडिमा और ऐसा एडिमा जो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड हो एल्किलोसिस के साथ। अब यहाँ पर SGL2 इनहिबिटर की बात कर रहे थे, तो इन्होंने क्या कराना है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर SGLT की इनहिबिशन करानी है। ये भी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ SGL2 ट्रांसपोर्टर, ये ट्रांसपोर्टर है वो एंजाइम था, इनहिबिशन ऑफ, इसको हम ब्लैक से लिख लेते ताकि SGL2 टाइप टू ट्रांसपोर्टर। तो इसके साथ ग्लूकोज की और ना ही सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, डायूरेसिस हो जाएगी, तो ये इस्तेमाल होती है डायबिटीज मेलिटस के अंदर। तो दो ग्लूकोज की रीअब्सॉर्प्शन ब्लॉक होगी, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन ब्लॉक होगी, तो ये इस्तेमाल होती है डायबिटीज मेलिटस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर एग्जाम्पल कौन सी आती है, इसके अंदर जो एग्जाम्पल आती है उनके आखिर में आता है ग्लिफ्लोजीन, जिस तरह यहाँ पर था जोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, टोरसोलामाइड, एस्टाजोलामाइड, तो इसके अंदर जो आखिर में जो सफिक्स आता है वो है ग्लिफ्लोजीन है, तो कैना ग्लिफ्लोजीन है और डोपा ग्लिफ्लोजीन, एम्पा ग्लिफ्लोजीन, ठीक हो गया। तो इसके अंदर एग्जाम्पल्स आती हैं, तो कौन सी एग्जाम्पल आएगी, आपने इनके जो सफिक्स है उसको याद रखना है, क्योंकि फार्माकोलॉजी के अंदर बेसिकली बहुत सारी ड्रग्स की एक ही क्लास होती है, और क्लास में कॉमन चीज़ होती है वो इनके सफिक्स होते हैं जो इनके आखिर में लिखे जाते हैं। तो ग्लिफ्लोजीन क्लास होती है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें क्लास के जो मेंबर में, कैना ग्लिफ्लोजीन, कैना ग्लिफ्लोजीन, वैसे इसके साथ साथ एम्पा ग्लिफ्लोजीन और डोपा ग्लिफ्लोजीन, डोपा और एम्पा ग्लिफ्लोजीन, ये इस्तेमाल होती है SGL2 टाइप टू इनहिबिटर्स में। अब नेक्स्ट जो क्लास आ रही है वो है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स थिक असेंडिंग लेप ऑफ लूप ऑफ एनले, वहाँ मैंने बताया था 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर, इसकी इनहिबिशन करवाते हैं। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ ऑफ 1 सोडियम 2 क्लोराइड 1 पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर, इनकी इनहिबिशन करवाना। अब इनकी इनहिबिशन होती है, तो इनकी इनहिबिशन होगी तो फिर सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन भी नहीं होगी, क्लोराइड की भी अब्सॉर्प्शन नहीं होगी, इसके साथ पोटेशियम, सॉरी कैल्शियम और मैग्नीशियम की रीअब्सॉर्प्शन भी साथ इनके कपल्ड होती है। तो पोटेशियम गया यूरिन के अंदर, सोडियम गया, क्लोराइड गया, इसके साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम भी चले गए, इसकी वजह से हमें मेटाबॉलिक एल्किलोसिस देखने को मिलती है, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, और साथ में हमें हाइपोकलीमिक, हाइपोकलीमिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम की भी वेस्टिंग हो रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हाइपोकलीमिक, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस और साथ यूरिनरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं किन किन की रीअब्सॉर्प्शन ब्लॉक हो रही है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम की वेस्टिंग हो रही है, और साथ हमें हम ये भी कह सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम ये भी यूरिन में ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब इनकी रीअब्सॉर्प्शन ब्लॉक हो रही है। और जो हाइपोकलीमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, इसका रीज़न मैं बाद में बताऊँगा जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस हो जाएगा। और ये ड्रग्स क्यों यूज़ करते हैं, ये भी एडिमा के अंदर यूज़ करते हैं। लास्ट में हम फ्लो चार्ट बनाएंगे कि डायबिटिक्स या नेट्रायूरिटिक या आइकोलिटिक्स किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो अब ये तो हो गया लूप डायोरेटिक्स, अब इसके बाद देख लेते हैं थायराइड डायोरेटिक्स। शिट, हम क्यों भूल जाते हैं इनके डायोरेटिक्स के नाम देना, तो हम इसको किससे, यहाँ पर हम इसको
इससे शो कर लेते हैं नाम वगैरह। तो ये डायुरेटिक्स के नाम हम इससे अंडरलाइन करेंगे। अब जो लूप डायुरेटिक, इसके अंदर एग्जांपल आएगी फ्यूरासीमाइड, ब्यूमेटिनाइड और एथाक्रेनिक एसिड। जो एथाक्रेनिक एसिड है इसके पास यूरिकोस यूरिक एजेंट भी होता है। यूरिकोस यूरिक का मतलब यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन करवाना। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं फ्यूरासीमाइड, ये वही ड्रग है जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, और ब्यूमेटिनाइड और एथाक्रेनिक एसिड। जो एथाक्रेनिक एसिड है इसके पास स्पेसिफिकली यूरिकोस यूरिक एक्शन भी होता है, यूरिकोस यूरिक एक्शन। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया दो डायुरेटिक्स। अब नेक्स्ट है थायोसाइड डायुरेटिक्स। मैंने पहले कहा था थायोसाइड डायुरेटिक्स कहाँ पे जाके काम करती है, डिस्टल स्टेट ट्यूब्यूल, लेकिन कैटसंग में लिखा हुआ है डिस्टल कॉलोनरी ट्यूब्यूल, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? इनहिबिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कोर ट्रांसपोर्टर। तो इनहिबिशन ऑफ वन सोडियम वन क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, इसकी वजह से भी सोडियम क्लोराइड की एक्सक्रीशन होगी, पोटेशियम की भी वेस्टिंग होगी। ठीक हो गया। और आगे हमें हाइपोकलेमिक मेटाबॉलिक एसिड ऑसिस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो यूरिनरी कैल्शियम वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे यूरिन का जो कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ड्रग या ये यूज़ होते हैं स्पेसिफिकली कैल्शियम से रिलेटेड ब्रोमेलिटी में। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन तो ब्लॉक होगी, उसके साथ पोटेशियम की भी वेस्टिंग होती है। इसको हम डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाइपोकलेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्केलोसिस सॉरी एल्केलोसिस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो यूरिन के जो कैल्शियम है वो ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पर यूरिन का कैल्शियम ज़्यादा होता था, इसकी रीज़न मैं बाद में बताऊँगा। जो थायोसाइड डायुरेटिक्स, इसकी एग्जाम्पल क्या क्या होगी, हाइड्रोक्लोरथायोसाइड और क्लोरथैलिडोन, जो हमने पहले भी नाम सुने हुए हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं हाइड्रोक्लोरथायोसाइड क्लोरथैलिडोन। क्लोरथैलिडोन। अब इसके बाद लास्ट जो ग्रुप है नाइट्रायूरेटिक में वो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक्स। अब पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ ऐसी डायुरेटिक्स होगी जिन्होंने एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट काम करना होगा, कुछ ऐसी होगी जिसने सोड एपिथेलियल सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करना होगा। ठीक हो गया, फिर आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये था ठीक असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ एनले, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा वन सोडियम वन पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ठीक हो गया। और यहाँ पर आपने देखना कि जब ये जाते हैं अंदर की तरफ जाते हैं तो ल्यूमिन में पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, ल्यूमिन में पॉजिटिव पोटेंशियल, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम और कैल्शियम पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट के जरिए रिअब्सॉर्ब होते हैं। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे थायोसाइड डायुरेटिक्स, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर लिखा हुआ होगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे कैल्शियम भी अंदर एंटर हो रहा है। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल सेल्स में मैकेनिज्म प्रोटेक्शन थोड़ा डिफरेंट होगा, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन ने जाके काम करना है, और एल्डोस्टेरोन ने क्या करवाना होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी को बढ़ा देना है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी की वजह से सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, पोटेशियम की जो सिक्रेशन वो भी ज़्यादा हो जाती है। तो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा, पोटेशियम की सिक्रेशन भी ज़्यादा, और ये काम करता होता है एल्डोस्टेरोन असल में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप के ऊपर और एपिथेलियल सोडियम चैनल्स के ऊपर। लेकिन एपिथेलियल सोडियम चैनल्स को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होगी जिन्होंने एपिथेलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक करना होगा, स्पेसिफिकली एमिलोराइड और ट्राइमेटरीन, जबकि स्पाइरिनोलैक्टोन और एपिलोरोनोन, इन्होंने काम करना है किसके ऊपर, जाके एल्डोस्टेरोन के एक्शन को एंटागोनाइज करना है। प्रिंसिपल सेल्स में सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन पोटेशियम की सिक्रेशन होती है, और हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन होती है इंटरग्रेटेड सेल्स के ऊपर। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक्स, इसको हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा जो एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट के तौर पर काम आती है, इसको हम मैकेनिज्म वाइज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, और दूसरे में हम ये कह सकते हैं जो इनहिबिट करा देगी एपिथेलियल सोडियम आयन चैनल्स को, और ये ड्रग्स काम करेगी कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे जाके काम करेगी। अब इनकी वजह से होगा क्या, इनकी वजह से जो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाएगी, लेकिन पोटेशियम इसकी रिटेंशन हो जाएगी, क्योंकि पोटेशियम की सिक्रेशन कराना एल्डोस्टेरोन के जिम्मे होता था। ड्रग्स जो एल्डोस्टेरोन के एक्शन को एंटागोनाइज करती है
तो इसके अंदर स्पाइरिनोन, लैक्टोन, रैपिलरिनोन, जबकि एपिथेलियल सोडियम एंड चैनल्स के लिए एमिलराइट और ट्राइमेटाइन, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर आएगा स्पाइरिनोन, लैक्टोन और एमिलराइट। इनकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन कम, पोटेशियम की सिक्रेशन भी कम, मतलब सोडियम का लॉस ज़्यादा और पोटेशियम की रिटेंशन ज़्यादा, ठीक हो गया। और उसके साथ जो एमिलराइट होती है जो स्पेसिफिकली यूज़ होती है सोडियम की रिटेंशन और पोटेशियम की वेस्टिंग में, जो एपिथेलियल सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करती है, ये लिथियम की क्लियरनेस को बढ़ा देती है। किस तरह बढ़ाती है ये हम इसके रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में जाके देखेंगे। तो इनका मेन फंक्शन क्या होगा, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को ब्लॉक कर देना, पोटेशियम की सिक्रीशन को भी कम कर देना, ठीक हो गया। एग्जाम्पल क्या क्या आएगी इसके अंदर, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के अंदर स्पाइरिनोलैक्टोन, एपीलेरोनोन, जबकि इसके अंदर एमिलोराइड और ट्राइमेटारिन। तो ये तो हो गया पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक्स। अब इसके बाद देख लेते हैं अल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट। अल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट ये यूज़ होते हैं जब अल्डोस्टिरोन की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, एग्जाम्पल सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच या हाइपोनैट्रीमिया में यूज़ होते हैं, या कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में जब एडिमाटस कंडीशन होती है। जो अल्डोस्टिरोन के एंटागोनिस्ट होते हैं वो अल्डोस्टिरोन के रिसेप्टर को एंटागोनाइज करते हैं, स्पेसिफिकली कोलेक्टिन टूब्यूल्स पर। तो उसके रिसेप्टर्स V1 और V2, V1 वाले भी दो टाइप के होते हैं, V1A और V1B। तो यहाँ पर जो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ या ब्लॉकिंग ऑफ रिसेप्टर्स V1A और V2। अब ऐसी ड्रग्स जो V1A और V2 दोनों के लिए एंटागोनिस्ट का काम करती हैं, उसके अंदर एग्जांपल आएगी कोनीवेप्टेन। कोनीवेप्टेन ये दोनों के लिए इनहिबिट, दोनों को ब्लॉक करती है, जबकि V2 के लिए स्पेसिफिक आती है टोलवेप्टेन। हम इसको डिटेल से देखेंगे इनके रिस्पेक्टिव वीडियो के अंदर, ठीक हो गया। अब जो ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स हैं, ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स जिन्होंने ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा के क्या करवाना है, वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को ब्लॉक कर देना, ठीक हो गया। क्योंकि ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी यूरिन की तो वाटर बजाय रीअब्सॉर्ब होने के वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा, इसकी वजह से यूरिन फ्लो रेट बढ़ जाएगा। तो इनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ऑस्मोटिकली इनहिबिट, तो ये ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देती है ट्यूबुलर फ्लूड की, इसकी वजह से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाती है। एग्जाम्पल है मैनीटोल, मैनीटोल, ठीक हो गया। और यूरेटिक्स में हमने देखा था कि जो UTA और UTB ट्रांसपोर्टर्स, UTA हमने कहा था कि इंटरमेडुलरी डक्ट में, जबकि UTB डिसेंडिंग वाजा रेक्टम में, इनको रिपीट करने वाली होती है PU14, लेकिन इसका मैकेनिज्म अंडरस्टूड है, तो ये ड्रॉप होती है, ठीक हो गया। तो ये था ओवरव्यू सारी ड्रग्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो पार्ट 3 होगा, पार्ट 3 में देखेंगे हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के, ये डायबिटिक्स किन किन कंडीशन के अंदर या फिर किस किस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर ये वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।